माँ को धरती पर भगवान का रूप कहा जाता है, लेकिन अपवाद हर जगह देखे जा सकते हैं। माँ अपने बच्चे को चलती ट्रेन से फेंक दे, ऐसा शायद ही किसी ने सोचा होगा, खासकर वो बच्चा जिसने अभी चलना सीखा और ना ही बोलना। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक ऐसा ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक माँ ही अपने बच्चे के खून की प्यासी हो गई। उसने अपने बच्चे को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। इसके बाद पिता ने कूदकर एक साल के बच्चे की जान बचाई। बच्चा गिरकर करीब 100 मीटर पीछे चला गया। फिलहाल बच्चे की हालत ठीक है। दरअसल यह दिल दहला देने वाली घटना यमुना पार के छिवगी जंक्शन पर हुई। मौके पर RPF और GRP दोनों ही मौजूद थी। उन्होंने पिता के साथ उसके बच्चे को नजदीक के अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने बच्चे का प्राथमिक उपचार किया। इसके बाद बच्चे की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। दरअसल प्रयागराज मंडल के छिगवी जंक्शन से गुरुवार की सुबह 7:30 बजे जनता एक्सप्रेस मुंबई की तरफ जा रही थी, जिसमें चुनार मिर्जापुर से कोच संख्या B2 में पति शिवम सिंह और पत्नी अंशु सिंह अपने एक साल के मासूम को लेकर चुनार से मुंबई जा रहे थे। बच्चा काफी रो रहा था। पति ने पत्नी से बच्चे को चुप कराने के लिए दूध पिलाने के लिए कहा, लेकिन दोनों के बीच इस बात पर बहस खड़ी हो गई और बहस इतनी बढ़ गई कि मां ने अपने मासूम को ही अचानक चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। गनीमत रहे कि ट्रेन की रफ्तार बहुत अधिक नहीं थी, यह देखकर सभी यात्री भी हैरान रह गए। लेकिन बच्चे को बचाने के लिए उसका पिता चलती ट्रेन से नीचे कूद गया और करीब 100 मीटर दौड़कर बच्चे को उठा लिया। गनीमत रही उस वक्त कोई दूसरी ट्रेन नहीं आ रही थी, जिससे दोनों की जान बच गई। छिगवी RPF इंस्पेक्टर GS उपाध्याय ने बताया कि पारिवारिक मामला होने के कारण GRP और RPF ने कोई मामला दर्ज नहीं किया है, लेकिन बच्चा अब खतरे से बाहर है। लोगों के मुताबिक महिला की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। इस घटना के बाद पिता अपने बच्चे को लेकर घर चला गया है और वहीं मां की इस हरकत पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं बताई जा रही है। फिलहाल यह घटना चर्चा का विषय बन गई है।